नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नगर परिषद को राजशाही छूट दिए जाने की स्कीम। छूट के दौरान नगर परिषद में जमा हुए लगभग 4.5 करोड़ रुपए की राशि। 8,500 प्रॉपर्टी धारकों ने उठाया छूट का फायदा। पल पल शीर्षक से विशेष रिपोर्ट। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दिए जाने की योजना। सिरसा नगर परिषद को खूब राशि। छूट योजना का लाभ उठाते हुए शहर के तकरीबन 8,500 यानी 8,500 प्रॉपर्टी धारकों ने नगर परिषद में 4,43,00,000 रुपए की राशि बतौर टैक्स जमा करवाए। हरियाणा सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 20 मई से 31 मई तक छूट दी गई थी। इस छूट योजना की तरफ से यहां लोगों में भरपूर फायदा उठाया गया, तो वहीं नगर परिषद को भी इसके चलते बकाया टैक्स की अदायगी हो पाई। गौरतलब है कि कोरोना के चलते प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की काफ़ी कमी आई थी, जिसकी वजह से नगर परिषद में बकाया टैक्स जो बढ़ता जा रहा था। सिरसा नगर परिषद के अंतर्गत करीबन 75,000 प्रॉपर्टी धारक हैं। वर्तमान में शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए लगातार छूट का फायदा उठाते दिखाई दिए। यही वजह रही कि छूट के दौरान करीबन 4,43,00,000 रुपये की टैक्स राशि रिकवरी की गई। नगर परिषद के टैक्स शाखा के लेखाकार गुरसेवक सिंह ने बताया कि नगर परिषद में टैक्स जमा करवाने के लिए 20 मई से 31 मई तक छूट की घोषणा की गई थी, जिसके चलते 8,500 प्रॉपर्टी धारकों ने इस छूट योजना का लाभ उठाया। नगर परिषद की तरफ से शहरवासियों को अपील की गई थी कि समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, ताकि बाद में उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, और इसी के चलते इसका फायदा भी हुआ। देखें पल-पल की खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा 20 मई से ये छूट प्रदान की गई थी, जो 31 अक्टूबर तक चली है। लगभग 8,500 लोगों ने 8,500 लोगों ने ये टैक्स भरा है, और टोटल रेवेन्यू छूट के दौरान 4,43,00,000 के करीब नगर परिषद फंड में जमा हुआ है। तो यही लोगों से आह्वान है कि अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है, दो प्रॉपर्टी टैक्स है, अपने समय अनुसार भरें, क्योंकि हर साल ये अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक 10% छूट हमेशा ही रहती है हर फाइनेंशियल ईयर पे। भी लोगों से यही अपील है कि अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स दे है, अपने समय अनुसार उसको भरते रहें। लगभग 70,000 प्रॉपर्टी टैक्स धारक हैं, खाली प्लाट वगैरह मिला के सारे, और इस पे यही 4,43,00,000 रुपये अभी तक छूट के दौरान ये आए।